हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 मेंस रिवीजन इन डेट एक्सरसाइज 11.2। टुडे वी सॉल्व लास्ट टू क्वेश्चंस 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्स पार्क एज शोन इन फिगर। हियर द पेंटागोनल पार्क इज देयर। फॉर फाइंडिंग द एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इंटू डिफरेंट वे। दे डिवाइड दैट पार्क इंटू डिफरेंट वे टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दैट वन। देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ पार्क इन यूजिंग बोथ वे, मीन्स बोथ मैथर्स। ओके, सो लेट वी डू डैट। लुक हियर, आई डी ऑलरेडी ड्रॉ डैट डायग्राम। पेंटागोनल पार्क इज देयर। ओके, ज्योति डिवाइड दैट वन इंटू दिस वे। ओके, सो दैट मीन्स सी डिवाइड दैट पार्ट इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दैट बोथ पार्ट आर इन अ दिस टाइप ऑफ शेप इज देयर। ओके, वॉट इज शेप? दैट इज ट्रेपेजियम शेप एंड बोथ आर सेम बिकॉज दैट इज इंटरसेक्ट मिडल पॉइंट। ओके, सो सेम पार्ट इज देयर। सो दिस वन इज इट्स डिवाइडेड, सो मेजरमेंट ऑफ दैट वन इज 15 मीटर एंड मेजरमेंट ऑफ दिस वन इज 30 मीटर बिकॉज टोटल हाइट इज 30, सो इज 30 मीटर। ओके, एंड दैट इज 90 डिग्री एंगल्स आर देयर। ओके, नाउ वॉट इज द हाइट ऑफ दैट वन? दिस वन इज हाइट, सेम फॉर दिस वन। ओके, टोटल मेजरमेंट इज 15, सो हाइट एच इक्वल टू 15/2। ओके, सो दिस टू आर पैरेलल साइड्स, सो इट्स ए एंड दिस वन इज बी एंड दैट वन इज एच। ओके, सो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इक्वल टू हियर टोटल सी डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड बोथ आर ट्रेपेजियम, सो यू जस्ट टेक टू टाइम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट मीन्स 2 × 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। हियर टू टू कट, एच इक्वल टू दैट इज 15/2 इंटू ब्रैकेट ए इक्वल टू 30 + 15 इक्वल टू 1/2 15/2 इंटू दैट इज 45। ओके, सो मल्टीप्लाई 45 and 15 देन डिवाइड बाई टू, सो 45 × 15 इक्वल टू 5 × 5 = 25। हियर टू एंड 22 0 5 4, सो 5 7 and 6 एंड डिवाइड दैट वन विथ टू, सो 3 2 = 6 3 2 = 6 and 1 = 15 7 2 = 1.5 मीन्स आंसर इज 337.5 m². ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंटू ब्रैकेट ज्योति's वे मीन्स इन विच वे ज्योति डिवाइड। ओके, दैट इज फर्स्ट। नाउ सेकंड वन, हियर एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इंटू ब्रैकेट कविता's वे इक्वल। ओके, नाउ लेट वी सी सी डिवाइड दैट वन इंटू टू पार्ट्स, वन इज ट्राइंगल एंड सेकंड इज दैट इज स्क्वेयर बिकॉज हाइट इज 15 मीटर, सेम दिस लेंथ इज ऑल्सो 15 मीटर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सो 15 एंड फॉर ट्राइंगल लुक हियर, दिस वन इज 15 मीटर एंड वॉट इज द हाइट? लुक हियर, टोटल हाइट इज 30, टोटल हाइट इज 30 एंड दिस वन इज 15, सो दैट हाइट इज ऑल्सो 15 एंड दैट इज परपेंडिकुलर हाइट, सो इट्स कॉल्ड एच हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वेयर। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स 1/2 × base × height प्लस एरिया ऑफ दैट इज एल स्क्वेयर, सो 1/2 × base इज 15 एंड हाइट इज ऑल्सो 15। लुक हियर, 15 एंड 15, ओके, एंड एल स्क्वेयर प्लस एल इज 15 15,
that is 15 into 15 equal to, now 15 15 is 225 divided by 2 plus that is 225 divide 2 1s are 2 1s are 2 2s are 0.5 plus 2 2 5. So here 0.5 is a 5 and 2 7 2 and 1 3 2 and 1 3 meter square. Okay, so here that is in a both way. Okay, in that one more question is there. Can you suggest some other way to finding the area? So some other way, look here, just divide that one into three parts, one triangle and another, means make 1, 2 and 3 triangles are there. Okay, and find out that one. Clear? Now number 11, look, diagram of adjacent picture frame has outer dimensions here, means outer measurements are 24 by 28 and the inner dimensions are 16 and 20. Okay, find the area of each section the frame if the width of each section is same. Okay, means widths are same, all one having. Okay, so look here, the frame divide into 4 equal parts and measurement of this one is 16, same means this one is also 16, 20, this one is also 20, same 24 and 24, 28 and 28, opposite sides are equal. Okay, that means if we divide that one into 4 equal parts, so one, okay, let we draw the diagram first. Look, here is the diagram. Okay, and if we divide into 4 equal parts, 1, 2, 3 and 4, so first and third part are equal in measurement, same 2 and 4 are equal. Okay, so I draw that one here, 1 and third part, measurement of first and third, that is 16 and 24. Okay, and here second and fourth part. Okay, same here. Now height, perpendicular height, we need height of that one to find out area of that one. What is the height? Let me found, look, total height is 28 and inner side is 20. Okay, so height equal to 28 minus 20 means 8 centimeter. Okay, but here that is divided into 2, first and 2, 2 total 2 parts are there, so height of this one is, and this one is, total of that 2 equal to 8, so height of 1 means h equal to 8 by 2, that is 4 centimeter. Clear? Look, here one part is there and here second part, means 2 time height is there. 2 shapes are there na, total 2 shapes are there, 2 trapeziums are there, so 2 time height is there. 28 minus 20 means 8, and 8 is height of 2 trapeziums, so height of 1 is 8 by 2, means here h equal to 4 centimeter. Same for this one, look, 24 and 16 means difference is 8, so height of this one and this one is 8, same here h equal to 4 centimeter. Okay, that is 1 and 2. Now we find out area of section of each one, frame of each one. So area of first and third frame, first and third one. Okay, area of first and third section equal to, for both one, okay, that is area of trapezium means 1 half into h into a plus b, that is 1 half into h equal to 4 centimeter, 4 into bracket a means 16 plus 24, 2 2's are 4 means 2, and here 24 and 16 total is 40, so 40 2's are 80 centimeter square. Okay, now same for this one, area of second and fourth section equal to, same 1 half into h into a plus
बी इक्वल टू वन हाफ इंटू एच इक्वल टू फोर इंटू ए प्लस बी मीन्स दिस वन 20 and 28 दैट इज 20 plus 28 सो 2 2 4 2 इंटू ब्रैकेट टोटल ऑफ दैट वन इज 48 एंड 48 2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके सो एरिया ऑफ ईच सेक्शन आर 80 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके दैट्स योर आंसर सो हियर स्टूडेंट आवर एक्सरसाइज 11.2 इज कंप्लीटेड ओके यू जस्ट कंप्लीट ऑल दैट सम्स इन योर नोटबुक ओके थैंक यू